फतेहाबाद के टोहाना में कार सवार नशा तस्कर पुलिस की नाकेबंदी को देखकर अचानक भाग खड़े हुए। पुलिस ने नशा तस्करों की कार का पीछा किया और पुलिस को पीछे आते देख कार सवार आरोपी कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को कब्जे में लिया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाकर कार की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कार से 37,430 नशीली गोलियां बरामद हुई है। मामले की जानकारी देते हुए टोहाना सिटी थाना के SHO सुरेंद्र ने बताया कि पुलिस ने टोहाना रोड पर नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान पंजाब नंबर की एक सफ़ेद रंग की कार नाकेबंदी के नज़दीक आकर अचानक यू टर्न लेकर वापस मुड़ गई। पुलिस को देखकर कार सवार ने कार को दौड़ा दिया। शक होने पर पुलिस ने कार का पीछा किया तो कुछ दूरी पर जाकर आरोपियों ने कार को छोड़ दिया और खेतों के रास्ते मौके से फरार हो गए। SHO ने बताया कि कार से नशीली गोलियों का जखीरा बरामद हुआ, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें नशे के संबंध में जो ये मैटर था, इसमें आज हम सुबह नाकाबंदी कर रखी थी हमारे जो बॉर्डर के नाके, तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान व्हीकल चेक कर रहे थे। एक गाड़ी आई वाइट कलर की, तो उसको जो हमारे साधुराम जी हैं सब इंस्पेक्टर ने रुकने का इशारा करा, वो गाड़ी रुकी नहीं, वो वहाँ से भाग गई थी। और कुछ दूरी पे जाके जैसे उस गाड़ी का पीछा किया तो वो गाड़ी छोड़ के भाग गई। गाड़ी चेक करी तो उसमें नशीली दवाइयाँ बरामद हुई हैं, उसमें ट्रामाडोल की टैबलेटें हैं टोटल 37,430।